नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है बोलेना स्टूडियो और मैं हूँ आपका दोस्त किरण पाटिल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट जेरॉक्स कॉपी प्रिंटर, जो कि मैंने तीन प्रिंटर चॉइस किए इसमें कि जो बेस्ट से बेस्ट है दोस्तों, और आपके बजट के अनुसार मैंने चॉइस किए तीन प्रिंटर। जो हमारा पहला प्रिंटर है वो कम से कम 12,000 रुपये का है और जो हमारा लास्ट वाला प्रिंटर है वो 35,000 का है दोस्तों। आपका जो बजट है, कम से कम बजट और ज़्यादा से ज़्यादा बजट के हिसाब से मैंने जो बेस्ट प्रिंटर है वो तीन बेस्ट प्रिंटर इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा जो पहला प्रिंटर है वो है ब्रदर का DCPL 2520B। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हो तो आपको मालूम ही होगा कि ये प्रिंटर मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और मुझे करीब करीब इसे 3 साल हो गए खरीदे हुए। अभी तक ये फुल वर्किंग कंडीशन में है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। बेस्ट प्रिंटर है प्राइस के हिसाब से, जो इसका प्राइस है वो 12,000 रुपये के प्राइस पे आता है। और इसमें 12,000 के प्राइस में आपको टू साइड यानी डुब्लेक्स प्रिंट की कॉपी का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, यानी ये टू साइड प्रिंट कर लेता है दोस्तों। इस प्रिंटर की और एक खासियत कि इसका जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो प्रिंटर है 1 मिनट में 30 कॉपी निकाल देता है दोस्तों। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। तो दोस्तों, अगर आपका बजट कम से कम 12,000 के आसपास है तो आप इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा प्रिंटर है वो HP का नेवर स्टॉप लेजर प्रिंटर है दोस्तों, और इसका मॉडल नंबर है MFP 1200W। फ्रेंड्स, ये अभी नया ही लॉन्च हुआ प्रिंटर है, इसे दो तीन या चार महीने हुए होंगे लॉन्च हुए। दोस्तों, ये जो प्रिंटर है इसमें आपको कार्टेज की जो दिक्कत रहती है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, यानी इसमें कार्टेज ही नहीं है, इसीलिए इस प्रिंटर का नाम नॉन स्टॉप लेजर प्रिंटर रखा है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप नया नया जेरॉक्स कॉपी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये प्रिंटर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका ऑफिस वर्क है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अगर रिफिलिंग की कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे कार्टेज रिफिल करते हैं तो ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। लेकिन इसका जो प्राइस है वो 20,000 है, यानी 20,000 के आसपास इसका प्राइस चलता रहता है दोस्तों। प्राइस वाइज तो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन जो रिफिलिंग का जो टेंशन रहता है, जो कार्टेज रिफिलिंग करना पड़ता है हमें, उसका इसमें कोई टेंशन नहीं दोस्तों, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। और अभी नया ही लॉन्च किया है HP ने, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। और इसका जो टोनर है वो अलग से आता है, वो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और टोनर जो इसका रिफिल करना है वो तो बहुत ही आसान है टोनर रिफिलिंग इसका, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ये जो प्रिंटर है इसका जो टोनर है उसमें आप एक टोनर में आप इसमें 5,000 कॉपी निकाल सकते हो, यानी आपका जो एक टोनर आप रिफिल करोगे इसमें तो उसमें आप 5,000 कॉपी निकाल सकते हो। और दोस्तों, अगर आप एक प्रिंटर परचेस करते हो तो पहली 5,000 जो कॉपी निकलेगी वो आपके जो प्रिंटर के साथ जो टोनर रिफिल होके आएगा उसमें ही निकल जाएगी, यानी 5,000 कॉपी आपकी पहले स्टार्ट में निकल जाए दोस्तों बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है। अगर आपको रिफिलिंग की झंझट नहीं चाहिए तो ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट है। इसमें भी आपको प्रिंट, स्कैन, कॉपी और साथ ही साथ इसमें आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा प्रिंटर है वो है Qcera B40DM। दोस्तों, ये प्रिंटर नहीं है, ये जेरॉक्स कॉपी की मशीन ही है दोस्तों, प्रिंटर बोलना इसे गलत होगा। इसके जो फीचर्स है उसके हिसाब से जो इसका प्राइस है वो बहुत ही कम है दोस्तों। इसका प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 35,000 के आसपास दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मशीन है ये सबसे बेस्ट मशीन है दोस्तों। अगर आपका जेरॉक्स कॉपी का बिजनेस करने का अगर आपका आइडिया हो और आपको ज़्यादा कॉपी निकालनी है दिन में, यानी आप ज़्यादा प्रिंट या ज़्यादा कॉपी निकालना चाहते हो, तो आप इस प्रिंटर को लीजिए दोस्तों। सबसे बेस्ट प्रिंटर है आज की डेट में Qcera B40DM, और ये 35,000 के आसपास आपको कहीं पे भी मिल जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से आज की डेट में सबसे बेस्ट मशीन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 1 मिनट में 40 कॉपी निकाल देती है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो भी बेस्ट है, और इसमें जो कार्टेज लगता है वो भी बड़ा कार्टेज लगता है, और इसमें जो पेपर की कैपेसिटी है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसमें ADF दिया है, जो कि ADF दोनों साइड से स्कैन हो जाएगा, आपकी जो प्रिंट है ADF में दोनों साइड से स्कैन हो जाएगी। आप पूरा कॉपी का सेट ADF में लगा सकते हो, ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा और ऑटोमेटिक कॉपी भी हो जाएगा दोस्तों।
ये इसमें ADF का सिस्टम है, और साथ ही साथ आप इसमें लीगल साइज के भी पेपर लगा सकते हो, इसमें आप बाईपास से भी पेपर लगा सकते हो। इसका जो पेपर ट्रे है, पेपर ट्रे के ऊपर इसमें बाईपास भी दिया है दोस्तों। इसका जो टोनर रिफिलिंग करने का आता है दोस्तों, वो बहुत ही आसानी से रिफिलिंग हो जाता है, और इसमें वन टाइम में आप आधा किलो पाउडर इसमें डाल सकते हो, जो कि आप टोनर रिफिल करना है इसका, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसमें वन टाइम में आप आधा किलो पाउडर डाल सकते हो, और उसमें आपकी 20 से 25,000 कॉपी निकल जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसकी जो ड्रम की कैपेसिटी है वो 1 लाख से 1.5 लाख प्रिंट निकालने की है दोस्तों, यानी इसकी ड्रम कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों इस प्रिंटर के जो स्पेयर पार्ट है वो भी सब मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इसीलिए दोस्तों बेस्ट प्रिंटर है, बेस्ट मशीन है। और इसका जो प्राइस है वो भी 35,000 के आसपास है, 35,000 में आपको सबसे बेस्ट मशीन आज की डेट में यही है दोस्तों। आपका कितना भी ये भी काम हो, कितनी ही ज़्यादा प्रिंट निकालोगे आप इसमें, तो आराम से निकाल देगा दोस्तों। फ्रेंड्स इस प्रिंटर में आपको बहुत सारे बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके जो फंक्शन से अलग अलग उसमें आपको काम आएंगे दोस्तों। आज की तारीख में अगर आपको जेरॉक्स कॉपी का बड़ा बिजनेस करना है, यानी आपको ज़्यादा कॉपी निकालनी है, तो ये प्रिंटर आज की डेट में सबसे बेस्ट प्रिंटर है दोस्तों। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।